जब ऐश्वर्या राय को सलमान खान ने थप्पड़ मारा था और कोई फेमिनिस्ट का चुप उठ के नहीं आया था कि ये लड़की के साथ तुमने क्या कर दिया। अच्छा उनकी गई थी कि कहीं सलमान खान का करियर ना खा जाए। ध्रुव राठी ने इसके बारे में कहा है। अरे ध्रुव राठी को छोड़ो, अरे ध्रुव राठी को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है कि सल्लू भाई बाहर वालों को लॉन्च नहीं करता, करते हैं पर सिर्फ लड़कियों को, जैसे कटरीना कैफ होगी, जरीन खान होगी, जैकलीन फर्नांडिस होगी, इन सबको सल्लू भाई ने लॉन्च करा है। मैं रोस्ट करा मैंने एक टाइम पे, आई एग्री कि मैंने करा, बट जैसे आज मैं पहली बार मिला उनसे, काफी अनरियल, मतलब मुझे लगा कि यार ये कौन है, मतलब पास से पहली बार मैंने देखा, मूवीज में ही देखा मैंने आज तक, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी और उन्होंने ऐसा डिस्कम्फर्ट भी फील नहीं होने दिया, मतलब बहुत कंफर्टेबली बात भी करी उन्होंने। एल्विश यादव बिग बॉस OTT 2 के विनर बन चुके हैं। घर के अंदर उन्होंने वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री मारी थी और आते ही छा गए थे एल्विश। लेकिन क्या आप अपने फेवरेट यूट्यूबर की असली सच्चाई जानते हैं? उनके काले सच के बारे में आपको पता है, जिनकी वजह से वो खूब ट्रोल हुए थे और विवादों में भी फंसते चले गए थे। सलमान खान की फिल्मों को घटिया कहने से लेकर आशिका भाटिया को बॉडी शेम तक कर चुके हैं एल्विश।